हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। सो गाइज, आज यानी कि 6 सितंबर को यूपीएससी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। और किसके लिए? खास करके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को लेके, जो लोग ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको 2024 में ईएससी का एग्जाम देना है, उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है कि क्या एग्जाम डेट रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और क्या सब कुछ रहने वाला है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये आपके पास नोटिफिकेशन है जो यूपीएससी की तरफ से आज रिलीज की गई है। तो अगर इसको देखा जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देने वाली है, जिसको आपको ध्यान देना है, वो ये है कि आज यानी कि 6 सितंबर से आज से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्लियरली मेंशन है कि लास्ट डेट, जो सबमिशन का लास्ट डेट है, वो कितना है, वो 26 सितंबर है। ठीक है, तो ये दो बात हो गई। सबसे पहले तो आप देख लो कि लास्ट डेट आपका जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो कितना है, और लास्ट डेट जो 26 सितंबर ही है। तो अब आपके पास ऑलमोस्ट 20 डेज ही है केवल आपको फॉर्म फिल करने के लिए। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर लो। बाकी अगर और डिटेल में जाया जाए तो और डिटेल की बात करें तो देखो, यहाँ पे अगर मॉडिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे आपको देखो दूसरा पॉइंट जो हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे मेंशन है कि आपको देखो, ये आपको वेबसाइट गिवन है यूपीएससी का, जिसमें upsconline.nic.in, इस पे जाके आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको, अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और आप इस चीज को ध्यान देना, ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखो मेंशन है कि मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल, ओटीआर मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आप जो ओटीआर प्रोफाइल में एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर जाओगे तो ये रजिस्ट्रेशन यूपीएससी साइड के लिए ऑलवेज वैलिड है। और दूसरी बात कि अगर इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत अगर आपको बाद में पड़ती है, तो इसमें केवल एक और टाइम आपको मिलेगा कि आप अपने रजिस्ट्रेशन में कोई भी अगर गलती करते हो उसको मॉडिफाई कर सकते हो। इसलिए बहुत ध्यान से आपको ये फॉर्म फिल करना है। और आप अगर पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको ओटीआर प्रोफाइल में भी जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आपने इसके पहले कोई भी फॉर्म अगर यूपीएससी पोर्टल पे आपने फिल करा है, तो आपका रजिस्ट्रेशन इसका मतलब पहले से है, तो आपको बस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। और उसके बाद जो एप्लीकेशन डेट मैंने आपको बता दिया, और उसमें अगर कोई आप गलती करते हो, तो उसका भी मॉडिफिकेशन डेट यहाँ पे मेंशन है, जो क्या रहने वाला, वो है 27 सितंबर, यानी कि जो लास्ट क्लोजिंग डेट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, उसके एक दिन बाद से लेके कब तक है, 3 अक्टूबर तक है। तो आप इस चीज को ध्यान देना, केवल आपको 7 दिन ही मिल रहे हैं किसके लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए। अगर आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती करते हो, कोई भी मिस्टेक अगर आपसे होता है, तो आप एक बार उसको मॉडिफाई कर सकते हो। बट मेरा मानना है कि आप अभी से अगर पहली बार फॉर्म फिल करने जा रहे हो, तो आप रजिस्ट्रेशन भी बहुत ध्यान से करो और आप अपना फॉर्म भी बहुत ढंग से फिल करो, ताकि आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत ही ना पड़े। दूसरी बात, अगर और देखा जाए इसके बारे में, और भी चीजें देखी जाए, तो यहाँ पे सिंपल सा एक चीज मेंशन किया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लोग गलती करते हैं क्या, कि यहाँ पे आप जो भी डिटेल्स भरोगे, यहाँ पे देखो कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ वन फोटो आईडी कार्ड, आपको जो भी फोटो आईडी कार्ड का डिटेल भरोगे, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे वही आईडी कार्ड ले आना है, जो बहुत मैंडेटरी है। इसमें लोग गलती करते करते क्या कि आपने डिटेल्स तो भरा आधार कार्ड का, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पैन कार्ड लेके जा रहे हो। तो ये गलती आपको नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ, दिस फोटो आईडी कार्ड विल बी यूज फॉर द ऑल फ्यूचर रेफरेंसेस एंड द कैंडिडेट इज एडवाइज टू कैरी दिस फोटो आईडी कार्ड व्हाइल अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन और पर्सनैलिटी टेस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जिस भी आप आईडी कार्ड की डिटेल्स आप अपने फॉर्म फिलिंग में भर रहे हो, उसी कार्ड को क्या करना है, आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाना है। और यहाँ पे देखो बाकी ये सारी नॉर्मल सिंपल बातें जो आप सभी को पता होगा, मोबाइल फोन नॉट परमिटेड, ये सारी बातें आपको पता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम उसकी बात करें, तो मैंने आपको दिखा दिया कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग का डेट क्या है। और दूसरी बात अगर देखा जाए, एज लिमिट, ठीक है, अगर एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप सभी को पता होगा कि हाँ, नेशनलिटी वही होना चाहिए, इंडियन सिटीजन आप होना चाहिए, सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एज लिमिट इस बार एग्जाम में मेंशन कहता है 30 ईयर मेंशन है, यानी कि जो 30 ईयर है वो कब तक हो जाना चाहिए आपका कंप्लीट, फर्स्ट ऑफ जनवरी 2024 तक। उसके बाद अगर आपको मेंशन है यहाँ पे क्या कि ही सी मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन सेकेंड ऑफ जनवरी 1994, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सेकेंड ऑफ जनवरी 1994 से पहले का है, तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो।
और दूसरी बात, एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2003, इसका मतलब ये आपका होना चाहिए कि जो डेट आप भरते हैं वो क्या होना चाहिए, 2 जनवरी 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो ये बात हो गया एज लिमिट का। तो इस बार जो एज लिमिट है वो कितना, 30 ईयर है। ओके okay. और दूसरी बात जो वो है कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए भी चीज यहाँ पे मेंशन है कि एज रिलैक्सेशन अलग अलग से आपके एसटीएससी के लिए आपको मेंशन है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए आपके जो कितना 5 साल का एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे। बाकी ये सारी बात आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं चलूं कि आपका एग्जामिनेशन डेट क्या रहने वाला, वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो जो एग्जामिनेशन डेट है वो आई थिंक कितना, 18th फरवरी 2024 है। तो 18th फरवरी 2024 को एग्जाम होगा, किसका, फर्स्ट पेपर का, जो आपका प्रीलिमिनरी जो पहला पेपर होगा, प्रीलिम्स का पेपर होगा, कब होगा वो आपका होगा 1st फरवरी 2024। ठीक है, तो ये बात हो गया एग्जाम डेट का। तो यहाँ पे ये सारी बातें आप देखोगे, यहाँ पे एग्जाम डेट भी मेंशन है। तो आपका जो एग्जाम होगा वो कितना होगा, 18th फेब को होगा। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब अगर मैं बात करूं कि देखो जो स्टेज वन का जो प्रीलिमिनरी स्टेज है एग्जामिनेशन का, उसमें टोटल 2 पेपर आपको मिलेंगे। ये देखो ये सारे, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, आपको पेपर जो स्टेज वन का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको पेपर वन और पेपर टू 2 पेपर देने होंगे, जिसमें आप देखोगे पेपर वन जो होगा वो क्या होगा, वो जनरल स्टडी और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का होगा। टोटल 2 घंटे आपको मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिलेंगे 200 नंबर के पेपर होंगे। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग की या आप किसी भी ब्रांच के हो, तो पेपर टू आपका अपने ब्रांच का होने वाला है, जिसमें आपको टोटल 3 आर्क मिलेंगे और जो टोटल मार्क्स होंगे कितने होंगे, 300 होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया स्टेज वन में प्रीलिम्स में आपके टोटल 500 के पेपर होंगे, जिसमें 2 घंटे पेपर किसके होंगे, पेपर वन के, और 3 घंटे आपको मिलेंगे किसके, पेपर टू के लिए। और पेपर वन टोटल कितने मार्क्स है, 200 मार्क्स हो जाएंगे, और पेपर टू कितने मार्क्स होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। तो ये तो बात हो गया प्रीलिम्स का। और जो इसका जो एग्जाम डेट है वो कितना, 18th फरवरी 2024 है। ठीक है, ये सारी बातों को यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगी। और दूसरी अगर मैं बात करूँ पेपर, उसके बाद अगर आप स्टेज वन क्लियर करते हो, फिर स्टेज टू की अगर बात किया जाए, तो स्टेज टू में हर ब्रांच में केवल ब्रांच का पेपर होगा, केवल आपके आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा। दूसरी बात अगर बोले, इसमें भी आपको 2 पेपर देने होंगे, और दोनों पेपर कितने नंबर होंगे, 300 के होंगे। तो आप जो पेपर स्टेज टू का जो पेपर होगा, मेंस जिसको आप बोलते हो, वहां पर टोटल 600 का पेपर होगा, और इसमें भी आपको 2 पेपर मिलेंगे देखने को। और जो इसके बाद आपको जो अगर आप स्टेज टू क्लियर करते हो, तो स्टेज थ्री में आपको टोटल 200 मार्क्स का, यानी कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा कितने नंबर का, 200 मार्क्स का। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दिया हूं। तो आप क्या कर सकते हो, आज से आने 6th सितंबर से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, और एग्जाम डेट भी आ चुका है। तो अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, अब आपको टाइम आ गया कि अपने पढ़ाई को और एक्सलेट करने का। तो अब आपको क्या करना है, अपना फॉर्म फिल करना है और अपनी तैयारी को और अच्छे से और ज्यादा एक्सलेट करके आपको अपनी तैयारी करने की जरूरत अब आ गई है। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस था जो मुझे लगा आपको देना चाहिए था। सो थैंक यू एवरीवन।